नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक फिर से आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट 123 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेड पेमेंट बैंक के द्वारा। देखिए, आपको आधार का काम फिर से मिलना स्टार्ट हो गया है, तो जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो आप कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप क्या करना है, यहाँ पर आना है। आपको टाइप करना IPPB, टाइप करके आपको इंटर कर देना। इंटर करते देखिए आ गए हैं आप इसके ऑफिशियल साइट पर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल। आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। सर्विस क्या है, देखिए सर्विस क्या है, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, IPPB एंड POSA लिंकेज, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और CALS सर्विस। फिर यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग आपको मिल जाएगी। पेमेंट में आपको देखिए पेमेंट का सारा सब कुछ मिल जाएगा। फिर अदर में, अदर पे आप देखिए इंश्योरेंस मिल जाएगा, आप लोन भी मिल जाएगा। कांटेक्ट करना आपको तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सर्विस रिक्वेस्ट में आप आते हैं तो देखिए जो भी आपको सर्विसें हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट में कैसे हम देखेंगे हमें आधार का काम कैसे मिलेगा। देखिए जब आएंगे इस पे सर्विस रिक्वेस्ट पे तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विस। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको कौन कौन सी यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाएंगे। देखिए कैश विड्रॉल का मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, कैश विड्रॉल का आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, कन्वर्ट डिजिटल अकाउंट टू रेगुलर अकाउंट, आधार सीडिंग यानी कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना, फंड ट्रांसफ़र, प्रीमियम अपडेट करना, KYC सर्विस, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करना इन अकाउंट में, QR कार्ड अगर आपको इसमें ऐड करना वो भी मिल जाएगा, बिल पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, भीम UPI भी कर सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ से आप ले सकते हैं, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग आप लेना चाहे वो भी मिल जाएगी आपको, पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट लिंकेज वो भी आप यहां से कर पाएंगे। फिर बात करें पेमेंट टू डिपार्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो आप कर सकते हैं, और यहां से यहां से लाइफ इंश्योरेंस का फिर आपको यहां पर दिया गया है। और फिर यहां से आपको क्या क्या सर्विस मिलती है, आप बढ़ते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यहाँ से कर सकते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, मतलब आपको यहाँ से चाहे देखिए। और फिर आपको देखिए आधार मोबाइल अपडेट यहाँ से ले सकते, देखिए मेन जो आपका मुद्दा था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या था वो, देखिए ये आधार मोबाइल अपडेट, और फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, चाइल्ड आधार इनरोलमेंट है, ठीक है। आपको यहाँ से आधार कार्ड का काम इसके थ्रू मिल जाएगा, किसके थ्रू, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आपको आधार का काम मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ से आना है, आप भरना चाहें यहाँ से, आप इसके कस्टमर हैं, ठीक है। अगर आप इसके कस्टमर हैं तो आपको ये सर्विस यहाँ से मिल जाएंगी। जो भी सर्विस आप यहाँ से लेना चाहोगे आप यहाँ से सर्विस को क्लिक करो, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, यहाँ से अपडेट करवा सको, सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको कहाँ आना है, सर्विस वाले में आना है, नॉन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर, फिर आपको आना है क्या, एसोसिएट विद अस, इस पर आना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए जैसे आप इस पर आएंगे एसोसिएट विद अस वाले में तो हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विथ अस, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। ऐसे करना क्या है आपको ये देख लीजिए। फिर देखिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आना है सिचुएशन पे, मिस्टर मिसेज जो भी आपको यहाँ पर लगा लेना, फर्स्ट नेम भर देना है, लास्ट नेम है तो भर दीजिए, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको भर देना है, सेकेंड लाइन पे आपको एड्रेस भर देना है, पिन कोड भर देना है, यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा, और लिंकेज ब्रांच भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, डिवीज़न भी दिख जाएगा, रीजन आपको इंडियन,
सर्कल क्या है, स्टेट क्या है, फिर जैसे आप नीचे आते हैं सर्कल, फिर आप यहाँ से स्टेट, फिर एनी स्पेसिफिक जो आपको रिक्वेस्ट डालनी है वो आप डाल सकते हैं, एग्री करना है, और नीचे जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड को यहाँ फिल करना है, फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब आपने सबमिट कर दिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नया पेज खोलना है, टाइप करना है IPPB, आपको सर्च कर IPPB सर्च कर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको आना है पहले लिंक पर, लिंक पर आने के बाद आपको अपना क्या है ये भी तो जान ले, किन किन लोगों को ये जो सर्विस है किन किन लोगों को मिल जाएगी। तो आपको आपको कहाँ आना है, नीचे आना है और यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट पे आना है, अनाउंसमेंट रीड मोड करेंगे, रीड मोड जो करेंगे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसको हमें क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर दे, क्रॉस करने के बाद नीचे आए इसको देखिए ऐसे आना है। अब आपको क्या करना है इस पे, एक मिनट रुकिएगा, तो आप देखिए आप ये सर्विस मिलेगी किन किन लोगों को, तो आपको अनाउंसमेंट वाले में बैंकिंग नोटिस और रीड मोर कर देना है, रीड मोर करते ही आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए आपको चलना है 15 नंबर वाले सेक्शन पे, ये देखिए 15 नंबर वाले सेक्शन पे ये PDF दी गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब ये देखिए नोटिस जो है, नोटिस को आपको नीचे आना है और किन किन लोगों को ये सर्विसें प्रोवाइड की जाएगी वो देख लेना है। सॉरी वो 16 नंबर पर था, देखिए इंडिया पोस्ट पेड में पेमेंट बैंक इनवाइटेड अप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस करस्पोंडेंस के लिए, देखिए क्या है क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अगर आप देखिए फर्स्ट टाइम तो आपको क्या है, अगर आप CSC संचालक हैं, क्या हैं CSC संचालक हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, या कोई आप बैंक से बैंक में आप एक्स सर्विस मैन है बैंक, यानी कि बैंक से रिटायर्ड कोई आप हैं पर्सन तो भी आपको मिल जाएगी, या जो इंडिविजुअल पब्लिक का और ऑफिस है उसके ऑपरेटर है तो भी मिल जाएगी आपको, या आप किराना स्टोर के कोई अगर ओनर हैं तब भी आपको ये सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, अगर इंश्योरेंस कंपनी में आप अगर गवर्नमेंट सर्व हैं तब भी आपको मिल जाएगी, अगर पेट्रोल पंप के ओनर हैं तब भी आपको मिल जाएगी, बाकी तो आप सबसे मेन था आपका क्या CSC आपके पास है तब भी आपको मिल जाएगी, या आपके पास रनिंग में रनिंग ब्राउज़र में कोई सेंटर है इंडिविजुअल रनिंग ब्राउज सेंटर तो भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखनी है कि किन किन चीज लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको नीचे आना है, अब इसमें क्या है फॉर्म को डाउनलोड करना है, तो फॉर्म को डाउनलोड करने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर वाले एक सेक्शन में जैसे आएंगे तो आपको देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिले, ये जो फॉर्म है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिले, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यहाँ पर आपको क्या करनी है अपनी जो है फ़ोटो, यहाँ पर अपनी जो है फ़ोटो लगा देनी है, फ़ोटो लगाने के बाद आपको बेसिक चीज़ें यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ पर न्यू वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, चेक मार्क कर देना है, फिर उसके बाद आना है नीचे वाले सेक्शन पर, यहाँ पर अपनी जो नेम है नेम को फिल कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, पैन नंबर है, फिर नीचे ईमेल आईडी, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कैसे देखना है इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे फादर्स नेम वाले सेक्शन, आपको फादर नेम भर देना है, फिर
मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपको भर देना है, प्रूफ ऑफ आपको क्या दे रहे हैं, प्रूफ क्या दे रहे हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको क्या क्या देना है, आधार कार्ड आइडेंटिटी में दे देना है, यहाँ पर भी आपको आधार ही कार्ड दे देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, फिर यहाँ पर बैंक डिटेल में आपको ब्रांच, अपनी ब्रांच नेम जो भी है बैंक की वो भर देना है, फिर आपका जो बैंक का ब्रांच का IFSC कोड वो भर देना है, अकाउंट नेम क्या है वो भर दें, अकाउंट टाइप पे आना है तो सेविंग अकाउंट था या करेंट अकाउंट था वो आपको सिलेक्ट करके भर देना है, अकाउंट नंबर भर देना है, बाकी आपको आना है बिजनेस करस्पॉन्डेंस वाले नीचे, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना, डेट डाल देना जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और आपको यहाँ पर प्लेस डाल देना कहाँ से आप भर रहे हैं। अब फॉर्म 60 पे आते हैं, फॉर्म 60 पे आपको सेम वही प्रोसेस, नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, पिन कोड सब ये आपको भर, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको भरने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, सिग्नेचर करने के बाद नीचे आना है डॉक्यूमेंट में, आपको देख लेना डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में सर्टिफिकेट वो तहसीलदार वाला जो म्यूनसिपल की तरफ से मिलता है, या सेल इनकम रिटर्न है, या CST है, या GST है, जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट उसके थ्रू आपको मिल सकता है, या सेल टैक्स का जो आपके पास सर्टिफिकेट वो हो सकता है, लाइसेंस है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से जो सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं इसके लिए। तो पहला आप तो यहाँ से प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, दूसरा यहाँ से आपका निवास प्रमाण पत्र जो आपके तहसील से बनता है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, बाकी आपको यह जाके अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है, जैसे ही कुछ होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी हम आपको और अदर जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वह से जुड़ने के लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।